प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में शहर के साथ जिले से भी आवेदक अपनी समस्या को लेकर आते हैं। कुछ लोगों की समस्या का निराकरण कलेक्टर त्वरित कर देते हैं तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनकी विभागीय जांच कर समस्या का निराकरण किया जाता है। ऐसी ही समस्या से जूझते हुए एक महिला जिसके 8 प्लाट नाले में आ गए, वह जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय आई, जहाँ उसने आवेदन देकर मांग की है कि उसके प्लाटों का सीमांकन कराकर उसे प्लाट दिए जाए। महिला ने कहा कि कलेक्टर साहब के व्यवहार व उनकी समस्या सुनने के अंदाज से बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए उनके समक्ष अपनी समस्या बताई है। पिछले कुछ वर्षों से नई दिल्ली में निवासरत महिला रेखा जैन अपने 8 प्लाटों की समस्या को लेकर जन सुनवाई में आ रही है। उनका कहना है कि उनके प्लाटों पर अवैध रूप से नाले का निर्माण कर दिया गया है। मंगलवार को कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से उन्होंने अपने 8 प्लाटों को लेकर चर्चा कर उन्हें दस्तावेज भी बताए। कलेक्टर गुप्ता द्वारा बताया गया कि नई दिल्ली से महिला रेखा जैन आई थी। उनके द्वारा यह बताया गया है कि पूर्व में कुछ प्लाट लिए गए थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर नाला कट गया है या किसी और का कब्जा है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वहाँ पर पूर्व में नाला था, शायद गलत तरीके से उन्हें नाले पर प्लाट दे दिए गए हैं। इस मामले में और विस्तृत जांच करने के लिए एक दल गठित किया गया है। प्रोफेशनल प्रतीक राव की अध्यक्षता में ये दल गठित किया है, जिसमें सुभाष मोरे के साथ नगर निगम के कर्मचारियों को भी रखा गया है। दल की जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। हाँ, एक नई दिल्ली से महिला आई थी, रेखा जैन मैडम। उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा यहाँ पर पूर्व में कुछ प्लॉट्स लिए गए थे, लेकिन वर्तमान में उन प्लॉट्स पे वहां पर या तो नाला कट गया है या किसी और का कब्जा है। तो प्रथम दृष्टया हालांकि ये प्रतीत होता है कि वहां पूर्व में नाला था और शायद गलत तरीके से उनको नाले पर प्लॉट्स ही दे दिए गए, लेकिन इस मामले में और विस्तृत जांच करने के लिए एक दल गठित किया गया है। प्रोबेशनर प्रतीक राव साहब की अध्यक्षता में ये दल गठित किया गया है। सुभाष मोरे साहब को इसमें रखा गया है और नगर निगम के कर्मचारियों को भी इस दल में रखा गया है। दल की जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। अगेन, ये अभी कहना सही नहीं है, एक बार जांच रिपोर्ट आने दो, जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी निर्णय। कलेक्टर साहब के व्यवहार से और उनकी समस्या सुनने के अंदाज से बहुत प्रभावित हुई। मेरी शिकायत 2018-19 से चल रही है। इसी दौरान मेरे प्लाट पे नाला अवैध रूप से प्लाट है, निजी एबी रोड पे एपेक्स हॉस्पिटल के पास में काला निवास के, जो 1984-85 में TNC से पास NOC प्राप्त कॉलोनी, उनका प्लाट का मेरे पे नामांतरण भी है। मैं संपत्ति कर भी भरती हूँ, पर इन 2 साल के भीतर भू माफियाओं के साथ मिलके लक्ष्मण नगर को अवैध कॉलोनी को वैध बनाने के चक्कर में पीछे के प्लाट वालों का नाला मेरे जमीन पे बना दिया। और उसको उनका विचार था कि इसको हम आने जाने का फुटपाथ बना के और मेन रोड पे हो जाए, और कोई दिल्ली की औरत है उसको थोड़ा बहुत पैसा पकड़ा देंगे। पर मैं आई, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये मेरे पिताजी के पैसे दिए हुए की संपत्ति, मैं इसमें बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसे बेचना भी नहीं। 5 बार सीमांकन हुआ, 5 बार मेरे प्लाट निकाले और नाले को दूसरी जगह बदले। पर अभी एक नजूल से सीमांकन एक 8 नंबर का कस्बा नंबर 8 से किया गया, तो उसमें नाला 702 पे ही बना दिया उन्होंने, और 702 का सीमांकन ही नहीं करा कि 702 की जगह कहाँ है। कितने प्लाट है? उसके बाद SDM साहब ने 2 साल से कोई गौर ही नहीं कर रहे शिकायत तो पे। अतिक्रमण जो लक्ष्मण नगर के लोगों ने मेरे नाले पे करा, तो जब तक वो नहीं हटेगा तो नाला पीछे कैसे जाएगा। और पीछे लक्ष्मण नगर के लोगों से SDM वगैरह अधिकारी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो वो कार्रवाई करना नहीं चाहते कि उप यंत्रियों ने इस कॉलोनी को वेध करा। 8 प्लाट में मेरे नाला है, केवल 2 प्लाट बच रहे हैं, पर मैं उन्हें बना नहीं सकती क्योंकि नाले का भाव इतना है कि वो मेरे प्लाटों को काट देता है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।